हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइए सिंधी में स्वागत है। और अभी हम मेनली देख रहे हैं 22 जनवरी 2019 की करंट अफेयर, जो कि हमारा पीछे छूट गया है, बैकलॉग हो गया है, लेकिन हम 31 जनवरी तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे वीडियोज़ पहले प्रीवियस करंट अफेयर के पड़े हुए हैं, उसको आप देख के रिविज़न करें और आगे के वीडियोज़ जल्द ही आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए, पहला टॉपिक है वल्चर एंड रैप्टर सर्वे। ये क्या होता है? तो एक तरह से गिद्धों का सर्वे है, और जो दूसरे पक्षियों को का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन पक्षियों का, उन जानवरों का सर्वे है, तो वल्चर एंड रैप्टर सर्वे है। ठीक है, इसका ये क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? ठीक, क्योंकि ये अपने तरह का ये पहला सर्वे है। ठीक है, आज के पहले आज तक कभी ऐसा सर्वे नहीं हुआ कि वल्चर एंड रैप्टर दोनों का साथ साथ सर्वे किया जाए। ये कहाँ पर किया गया है? ये वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया है। कहाँ पर है ये? केरला में। ठीक है, तो आपके लिए ये याद रखना है कि अपनी तरह का पहला है, और कहाँ पर किया गया? वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में 9 तरह के वल्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें 3 तरह के वल्चर्स मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको पता हो चुका होगा कि कौन जारी करता है लिस्ट। IUCN एक बुक जारी करता है जिसे रेड डेटा बुक कहते हैं। उसके अनुसार जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए, वल्नरेबल हो गए, और लीस्ट कंसर्न्ड हो गए। इन तरह से इनको डिवीज़न होता है। ठीक है, तो इंडिया के कौन से 3 तरह के वल्चर हैं जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं? तो उसमें ये हैं, ओरिएंटल वाइल्ड बैक्ड वल्चर हैं, स्लेंडर बिल्ड वल्चर हैं, और इंडियन वल्चर हैं, जिन्हें लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जिनकी चोच लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक डिफो ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई क्या है? 426.60 मीटर। ठीक है, ये कहाँ बनाया गया है? डिफो रिवर पे। ठीक, एक प्रोजेक्ट चल रहा था नॉर्थ ईस्ट में, उसका नाम है प्रोजेक्ट उद्यक। ठीक है, उसके अनुसार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा इस ब्रिज का निर्माण कराया गया। ठीक, अब किसके किसके मध्य है? तो दिवांग एवं लोहित वैली के मध्य है, और इन दोनों के, दिवांग और लोहित के मध्य कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, लोगों का आवागमन ईजिली से हो सकेगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डिफो ब्रिज कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, अभी जैसे आप जानते हैं कि UPSC हो या कोई भी स्टेट हो, फेस्टिवल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, तो फेस्टिवल तो अभी ये PIB में 3-4 फेस्टिवल्स हैं जो कि अभी चर्चा में रहे हैं। ठीक है, हम उसको भी देख लेते हैं। पहला है पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक, ये कब मनाया जाता है? 14 जनवरी से 16 जनवरी तक। जब नॉर्थ इंडिया में हम मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी समय साउथ में क्या मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है? धन्यवाद की तरह मनाया जाता है। किसको धन्यवाद दिया जाता है? सूर्य भगवान को। क्यों? ये ऐसा मानते हैं कि जो उनकी फसल अच्छी हुई है उस पर सूर्य भगवान की कृपा है। ठीक है, तो एक तरह से उनको धन्यवाद दिया जाता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, एक दूसरा फेस्टिवल है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। जैसे आपको पता है 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में क्या होता है? पतंगें उड़ाई जाती हैं। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग काइट फेस्टिवल मनाया गया है। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, हर साल मनाया जाता है और जनवरी के स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। लोसर जैसे एल हो गया, इस तरह आप मिला सकते हैं जैसे आपको कन्फ्यूज़न हो। हर समय तो ये ट्रिक नहीं काम करती है, लेकिन ये है कि अगर आप एकदम नहीं भूल गए हैं, नहीं याद आ रहा है, तो लोसर से लद्दाख को जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन आप रिमेंबर के लिए आप ये रख सकते हैं दिमाग में। नेक्स्ट देखिए, लोसर फेस्टिवल को हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है। एक तरह से मौका होता है जिसमें नए तिब्बतन ईयर के शुरुआत होने का माना जाता है। ठीक है, नए तिब्बतन ईयर को की शुरुआत को माना जाता है। ठीक, किसमें माना जाता है? लोसर फेस्टिवल में। इस मौके पर होता क्या है कि जो मोनेस्ट्रीज होती हैं उनको डेकोरेट किया जाता है, न्यूली पेंटेड हाउस किए जाते हैं, मतलब जो है पेंटेड को हाउसों को, मतलब घरों को, जैसे हम लोग दीपावली में करते हैं अपने घरों की पुताई उताई कराते हैं, उसी तरह से लोसर फेस्टिवल में वहाँ के लोग अपने घरों को अच्छे से तरह से पेंट करते हैं। फैमिली वेल ड्रेस होती हैं, न्यू क्लोथ होते हैं, और फूड एंड फन होता है। ठीक है, तो लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थाई प्यूइज्म फेस्टिवल है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का थाई प्यूइज्म। ठीक है, ये कैसा है? ये काफ़ी स्ट्रेंज फेस्टिवल है। इसमें क्या कहते हैं? इसको काफ़ी स्ट्रेंज और अनयूजुअल फेस्टिवल कहते हैं। ठीक, कहाँ पे है? तमिलनाडु का है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें होता क्या है कि पार्वती ने मुर्गन को वरदान दिया था ताकि वो सोदा
सोरा पद्मनम को खत्म कर सकें। एक राक्षस है, इनका नाम क्या था? सोरा पद्मनम। तो माता पार्वती थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मुर्गन को वरदान दिया था कि तुम सोरा पद्मनम को नष्ट का वध कर दो, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में ये मनाया जाता है। थाई पूज्म फेस्टिवल तमिलनाडु का, ठीक है। इसमें एक खास क्यों है, क्योंकि ये 48 दिनों तक चलता है, 48 दिनों तक इसमें फास्ट रखा जाता है, इसमें हेड को सेव किया जाता है, मतलब सर मुड़वा दिया जाता है, और सिर में एक पॉट रखा जाता है, ठीक, और जाता है जिसमें दूध होता है, ठीक, और इसमें अजीब सा, जैसे जैसे आपका चेहरा है तो यहाँ से तीर वीर भी आर पार कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब काफ़ी स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तीर वीर होता है जो आपके मुंह के बीच से निकल जाएगा, ठीक है, काफ़ी जटिल है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक लोकल डांस फॉर्म भी है, उसे कहते हैं कवादी कवाडू अट्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहू फेस्टिवल है, ठीक, बिहू फेस्टिवल आप सबको पता है कहाँ का है, असम का, ठीक। ये तीन असामी फेस्टिवल का एक सेट है, तीन असामी फेस्टिवल होते हैं, कौन से है, बोहांग बिहू, कोंगाली बिहू और माघ बिहू, ठीक है, तीन है, बोहांग, कोंगालू और माघ, ठीक है, एक तीनों असामी फेस्टिवल है, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, बिहू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है कि जो माघ, बोहांग, बोहाग और कोंगाली है, ये एक तरह से तीन फेस्टिवल होते हैं, तीन फार्मिंग सीजन्स होते हैं, जिनका जो है, जिसमें माघ कब से कब मनाया जाता है, जनवरी 15 से मनाया गया है, बोहाग बिहू का मनाया जाता है अप्रैल में मनाया जाता है, और कोंगाली बिहू का मनाया जाता है अक्टूबर में। तो आपको बस केवल बिहू इंपॉर्टेंट था याद रखने के लिए, उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी इंडिया स्टील एक्सपो मनाया गया है, ठीक, इंडिया स्टील एक्सपो मनाया गया है, कहाँ पर आयोजित किया गया है, मुंबई में, ठीक है। ये अपनी तरह का फोर्थ इंडियन स्टील एक्सपो है, और ये किसके द्वारा मनाया गया है, फिक्की द्वारा। फिक्की आपको सबको पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और फिक्की की स्थापना की गई थी 1927 में न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है, और किसके द्वारा की गई थी, घनश्याम दास बिरला के द्वारा। तो आपको याद रखना है फिक्की के बारे में इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसोसिएशन, जिसे जीका कहते हैं, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसोसिएशन और भारत के मध्य ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। तो अभी आपसे पूछ लिया जाएगा जनवरी में किसके मध्य समझौता हुआ है ऋण समझौतों पर, तो जापान और भारत के मध्य। नेक्स्ट है आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया है, गुजरात में। आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, कहाँ उद्घाटन किया गया, गुजरात में, किसके द्वारा, एलएनटी के द्वारा, एलएनटी एक कंपनी है, उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है सॉरी किसके 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 ऊपर लगाया गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। क्यों लगाया गया है, कि इन्होंने नो योर कस्टमर्स स्कीम्स में हेराफेरी की है, छेड़खानी की, जो आप जानते हैं केवाईसी चल रहा है, केवाईसी में छेड़खानी की है और धोखाधड़ी की है, ठीक है, तो इसीलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे किया गया। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए जो 10% आरक्षण लागू किया गया है, उसमें जो है तीसरा राज्य कौन सा बन गया है, उत्तर प्रदेश। आप सभी को पता है कि अभी जैसे इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के पहले एक 10% आरक्षण की स्कीम लाई गई है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्टर EWS जिसे कहा जाता है, उसके लिए लागू की गई है, जो जनरल कैंडिडेट्स को मिलेगी, ठीक है। तो इसको लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है यूपी। अब आपके दिमाग में आएगा अगर तो पहला दूसरा कौन सा, तो पहला है गुजरात, दूसरा है झारखंड। आपको याद रखना है मोदी जी के यहाँ, मोदी जी जैसे गुजरात में थे तो पहले आया है, ठीक है, और उसके बाद अभी योगी जी हैं तो ये थर्ड नंबर पे आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुगल सराय तहसील है यूपी में, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय। अभी आपको पता होगा इसका इसके जंक्शन का भी नाम बदल दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय, तो उसी तरह उसके तहसील का नाम भी बदल दिया गया है, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी आज करंट अफेयर न्यूज़, और जल्द ही हम पूरा 20 31 तक कंप्लीट करा देंगे, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।